प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत बुधवार को जिला भाजपा ने एक बड़ा आंदोलन किया। जिले भर से आए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बरसते पानी में शंख झालर बजाकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इसके पहले छत्रसाल चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा नेताओं ने जमकर आक्रोश जताया। ये पूरा आंदोलन प्रदेश भाजपा के महामंत्री और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा के नेतृत्व में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत कांग्रेस सरकार के खिलाफ बुधवार को घंटानाद आंदोलन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शंख झालर का शंखनाद किया और कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सांसद वीडी शर्मा के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, विधायक राजेश प्रजापति, पूर्व मंत्री ललिता यादव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। छत्रसाल चौराहे पर आम सभा के उपरांत भारी बारिश के बावजूद भी सभी कार्यकर्ता सांसद वीडी शर्मा के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली के रूप में पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और फिर जनता के नाम खुला पत्र जारी किया। बना दिया 8 महीने में, ये आपकी उपलब्धि है। हमारे शहर की बेटियां माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बात करी, एक सीता साहू की तीसरी बेटी के कारण उसके घर में विवाद हो गया, हमने ये प्रयास किया कि उसका घर भी न टूटे। माननीय शिवराज जी ने बात करी और उसका घर भी न टूटे और उसका घर सुरक्षित रहे और बेटियों का भविष्य सुरक्षित रहे। कांग्रेस के नेता कुछ लोगों के साथ मिलकर ये प्रयास करने लगे कि सीता साहू गलत है या सीता साहू उसका पति गलत है। अरे बेटियों की चिंता करो, भारतीय जनता पार्टी ने बेटियों की चिंता करी है, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों की चिंता करी थी इस प्रदेश में, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों की चिंता करी है इस देश। दुरावस्था जो हुई है उसके खिलाफ मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज घंटानाद अभियान, सोए हुए मुख्यमंत्री सोई हुई सरकार के नींद खोलने के लिए पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन में आज महाराजा छत्रसाल की नगरी में आज ऐतिहासिक आंदोलन जनता ने ताकत के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प आज यहाँ पर लिया है। हमने तय किया था कि हम किसी को ज्ञापन नहीं सौंपेंगे। ज्ञापन इसलिए नहीं सौंपेंगे कि चाहे वो कलेक्टर महोदय हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, उनकी भी सरकार में अपनी पीड़ा है, वो भी ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। केंद्र भ्रष्टाचार बचा दूंगा, इतनी लूट मची है कि उनके ट्रांसफर उद्योग किससे पैसा कमाया जा रहा है, हमारे अधिकारियों से कमाया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनके साथ भी लिप्त हैं, जो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को उन्होंने चरम पर पहुंचा दिया है। आज हम इस आंदोलन के माध्यम जनता के नाम खुला पत्र भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सौंपा है। आज हमने अपने खजुराहो लोकसभा के और अपने छतरपुर जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर एकत्रित होकर के आज ये आधा किया है कि अब ये भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश के अंदर नहीं टिकेगी। कमलनाथ जी की सरकार घोषणा है, गरीबों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, गरीबों से जो लूट हो रही है और गरीबों की योजनाओं को जो बर्बाद करने का काम किया है, मध्य प्रदेश अपने साथ करेगा। हम अपने स्वर्णिम प्रदेश को फिर अच्छा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज संकल्प लेकर के आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक कलेक्टर साहब के लिए लिख रहे हैं ट्रांसफर के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कलेक्टर के स्थानांतरण के लिए सत्ता पक्ष के विधायक लगे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना, सारे प्रशासनिक अधिकारी, जो अधिकारी अच्छा काम करना चाहता है, जो कानून व्यवस्था बनाना चाहता है, जो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, कांग्रेस के लोगों का वो राष्ट्र नहीं आ रहा, उनके दल दल ट्रांसफर करने का।